मुद मंगलमय संत समाज सज्जनों श्रद्धा मूर्ति देवी, हम जो चाहते हैं शांत सुख स्वर्ग मोक्ष बीज परमात्मा की प्राप्ति परमानंद, नाना शब्दों में जिसे कहा जाता है उसे पाने के लिए कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं। और तमाम प्रकार के कर्मकांड पूजा पाठ हवन तर्म तर्पण धार्मिक जो आडंबर है उनमें भी उलझने की आवश्यकता नहीं। जितना हम धार्मिक आडंबरों में उलझते हैं कर्मकांड में पड़ते हैं उतने ही वास्तविकता से दूर हटते चले जाते हैं। और जो तथ्य को समझता है सहज वो पूजा पाठ करता कर लेता है लेकिन बहुत कर्मकांड और आडंबर में उलझता नहीं। दिखावा में तो बिल्कुल ही नहीं पड़ता। साहब ने कहा है रहे बदन नहीं स्वांग स्वभाव मन अस्थिर नहीं बोले काहू। जो ज्ञानी पुरुष है तत्वविवेकी पुरुष है जो तत्व को समझने वाला है जिसका लगन राम में परमात्मा में लग चुका है वह नाना प्रकार की स्वांग नहीं बनाता। छाप तिलक इस प्रकार से वेदभूषा इसमें उलझता नहीं। वह मौन रहता है और अपने मन को शांत रखता है। बाहर मौन भीतर मौन। बाहर का मौन कुछ ना बोलना चुप रहना और भीतर का मौन मन का शांत हो जाना। हम बाहर मौन हैं तो जरूरी नहीं होता है कि भीतर भी हमारा मौन होगा। बाहर से मौन रहने वाला आदमी अंदर अंदर खूब झगड़ा करने वाला हो सकता है। क्रोध में ईर्ष्या में द्वेष में जलने वाला हो सकता है। बाहर का मौन बड़ा कारगर नहीं होता। कई बार कारगर होता है। कोई गुस्सा में आए बात कर रहा है गाली बक रहा है कुछ उल्टा पलटा कर रहा है वहां मौन रह जाए तो झगड़ा टल जाएगा। लेकिन उसमें बाहर से तो मौन रहे और अंदर 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 दे रहे हैं गाली तो आपको शांति नहीं मिलेगी। झगड़ा टलेगा जरूर लेकिन शांति नहीं मिलेगी। आनंद का अनुभव नहीं कर सकेंगे क्योंकि अंदर मौन नहीं है। तो बाहर भी मौन चाहिए और भीतर मौन चाहिए। बाहर भीतर दोनों मौन हो गए तो जिसे हम पाना चाहते हैं और खोजना चाहते हैं वो सहज मिल गया। राम परमात्मा ईश्वर खुदा ब्रह्म गॉड मोक्ष बीज परमानंद का अनुभव क्यों नहीं होता। हम बाहर भीतर दोनों से अशांत हैं। दो बाहर से भी वाचाल हैं और अंदर से भी वाचाल हैं। और वाचाल आदमी कभी सत्य को न तो समझ सकता है न सत्य का अनुभव कर सकता है। हमारी वाचालता ही हमको भटका रही है। वाचालता बंद भटकना बंद परमानंद का अनुभव उसी क्षण हो जाए। साहब ने कहा है होए बिहिस्त जो चित न डोलावे
खत्म छाड़ दुजक को धावे। आदमी अपने चित्त को चंचल न करे तो तत्काल बिहिष्ट मोक्ष की प्राप्ति हो सकती, उसका अनुभव हो सकता है। चित्त की चंचलता नरक है और बंधन का कारण है। चित्त का रुक जाना, मन का मौन शांत हो जाना, यही स्वर्ग है और मुक्ति का कारण है। बहुत सरल है मोक्ष का अनुभव करना, स्वर्ग का अनुभव करना, लेकिन हम लोग नरक में रहने के अभ्यासी हो गए, इसलिए हमको नरक ही प्रिय लगता है। जैसे नाली के कीड़े को जो उसमें बिलबिला रहा है, अलग निकाल दो तो छटपट नहीं रखने लगेगा, नाली में फिर डाल दो मगन हो जाएगा। नीम के कीड़े को नीम ही प्रिय होता है, ऐसे हम सब भी विषय कीट बने हुए हैं, मलिनता के प्रेमी। मलिनता का अर्थ है नरक। होए बिहिष्ट जो चित्त न डुलावे, चित्त को चंचल न करे तो तत्काल बिहिष्ट स्वर्ग जन्नत मोक्ष का अनुभव हो सकता है। कहां भटकना है, कहां पाना है, करना है, उधर ध्यान ही नहीं है। चित्त को शांत रखना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, यह बात कोई सत्संगी साधक ही समझ सकता है। सामान्य आदमी के लिए तो वो तो यह मानता है कि चित्त की चंचलता में ही आनंद है, चित्त को शांत कर देना, मन को मार लेना, ये तो मुर्दा हो जाना है। मुर्दा का मन नहीं चलता है, चुपचाप पड़ा रहता है। ऐसे ही मन को मार लिए, इंद्रों समेट लिए तो मुर्दा हो जाना, इसमें कौन आनंद है, ये कौन जीवन है, ये तो जीते जी मौत है। तो रजोगुणी आदमी को, संसारी स्वभाव वाले आदमी को चित्त की चंचलता में ही आनंद होता है। ये देखें वो देखें, ऐसे बोले वहां जाए वहां जाए, ये करें वो करें, तमाम प्रकार के इंद्रियों की उत्तेजनाओं में पड़ करके इंद्रिय विषयों का सेवन करते रहें, यही तो आनंद है, यही जीवन है। और कुछ भी नहीं, चुपचाप मन को समेट करके बैठ गए, ये कौन जीवन है, इसे से तो मर जाना है। आदमी समझता है, एक चुटकुला याद आ गया कि आदमी का मन कैसा है, इसको समझाने के लिए ही समझ ले। एक विद्यालय में अध्यापक बच्चों को रोज नैतिकता का, चरित्र का पाठ पढ़ाते थे। महीनों बीत गए तो एक दिन पढ़ाते पढ़ाते अध्यापक ने बच्चों से कहा कि बच्चों, अब तुम लोग बहुत दिन से नैतिकता और चरित्र के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हो, अब आज मैं तुम लोगों को कुछ संकल्प दिलाना चाहता हूं, तुम लोग कुछ प्रण लो ताकि तुम्हारा जीवन सुधर सके। तो कहा बच्चों का, ठीक है गुरुजी, हम तैयार हैं। तो अध्यापक ने कहा, देखो मैं कहूंगा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, तुम कहना हाँ नहीं करेंगे नहीं करेंगे, बच्चे ऐसा कहता। तो कहा अध्यापक ने कहा कि ये संकल्प लो कि आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो बच्चों ने कहा नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे। फिर कहा कि आज से हम कभी गांजा भांग बीड़ी सिगरेट शराब सब नहीं खाए पिएंगे। बच्चों ने फिर कहा कि नहीं खाए नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं पिएंगे। फिर कहा कि आज से हम अंडा मांस मछली कभी नहीं खाएंगे। बच्चों ने कहा नहीं खाएंगे गुरुजी नहीं खाएंगे। फिर कहा आज से चोरी डाका हत्या नहीं करेंगे। बच्चों ने कहा नहीं करेंगे नहीं करेंगे। फिर कहा आज से संकल्प लेते हैं कि किसी लड़की से छेड़खानी नहीं करेंगे। लड़कों ने कहा कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे। फिर कहा बच्चों एक अंतिम में आओ,
कि हम देश के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देंगे। बच्चों ने कहा हाँ सर जी हम कुर्बान कर देंगे, ऐसी जान को लेकर के करेंगे भी क्या, न जिसमें न छेड़खानी करना है, न जुआ खेलना है, न शराब पीना है, नमाज ऐसे ऐसे आपको जान पर रख करके करेंगे भी क्या। ये आदमी का स्वभाव है, ये तो चुटकुला है लेकिन हकीकत क्या है, क्या हमारी दशा ऐसी नहीं है। मन को दौड़ाते रहना दौड़ाते रहना, बस ये तो हम जिंदगी मानते हैं और जिंदगी भर भोगते हैं नरक, दुख, चिंता, अवसाद, पीड़ा, यही तो सब नरक है। दुनिया के सभी संतों का एक यही निर्देश है, शांति, सुख, परमानंद, स्वर्ग, बिहिस, मोक्ष का अनुभव करना चाहते हो तो अपने मन को समेट करके रखो। विचार अलग अलग हो सकते हैं, मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं, दार्शनिक सिद्धांत अलग अलग हो सकते हैं, पूजा पाठ अलग अलग हो सकता है, कोई साकार ईश्वर मानेगा मानने वाला है, कोई नाकार कोई निराकार ईश्वर मानने वाला है, वो अलग अलग है, लेकिन सभी के लिए मन की चंचलता का त्याग यही सुख शांति का रास्ता है। और जितने अपने मन को चंचल बना करके रखा है, कुछ भी मानते रहे क्या फर्क पड़ने वाला है। इस आधी पंक्ति में ही सदगुरु कहते हैं कि हो ये बिहिस तो चित्त न डोलावे, तुम स्वर्ग चाहते हो ना, तो स्वर्ग का अनुभव, स्वर्ग का सुख, स्वर्ग का आनंद तो अभी मिल सकता है, पूरी शांति का अनुभव करना चाहो तो अभी मिल सकता है, बस चित्त को चंचल मत करो। और यही काम हमें लगता है मुश्किल, लेकिन सच्चा सुख है जिसे चित्त की एकाग्रता में, चित्त के शांत होने में ही। दुनिया के भोगों का जो आप आनंद कहते हैं, विषयों में जो सुख की कल्पना करते हैं, उसमें भी चित्त की एकाग्रता ही कारण है। चित्त एकाग्र नहीं है, बिखरा हुआ चित्त है, चंचल चित्त है, तो दुनिया का बड़ा सा बड़ा भोग भी मिल जाएगा तो आनंद का, प्रसन्नता का अनुभव नहीं होगा। अत्यंत प्यारा मित्र जिससे काफी दिन से हम बिछड़े हुए हैं, अलग अलग हैं, वर्षों अलग अलग रहने के बाद उस प्यारे मित्र का आगमन हुआ है और उससे मिलकर हमारे मन में बड़ा आनंद है, बड़ी प्रसन्नता है, बहुत खुश हैं हम, कि इतने में ये समाचार मिला कि आज दुकान में, व्यापार में 50,000 का घाटा हो गया है। अब मित्र के मिलन में आनंद नहीं रहा क्योंकि चित्त चंचल हो गया, अब मित्र से बात करने का मन भी नहीं होता है, उसके बाद बैठने का मन भी नहीं होता है। जब तक चित्त एकाग्र था तब तक मित्र के मिलने में आनंद का, प्रसन्नता का अनुभव हो रहा था। जैसे सुना कि व्यापार में इतना घाटा हो गया, चित्त चंचल हो गया, उद्विग्न हो गया, अब मित्र के मिलन का आनंद कहां रह गया। ऐसे कोई भी आप कल्पना कर सकते हैं, चित्त एकाग्र है तो अकेले में आप स्वर्ग में बैठे हुए हैं, और चित्त एकाग्र नहीं है तो जहां जहां जाए नरक का दुख भोग रहे हैं। और ये ऐसा सुख है बिना पैसे का सुख,
इसमें किसी को सताना नहीं है, किसी को लूटना नहीं है, किसी को धोखा देना नहीं है, कुछ नहीं। केवल अपने मन को समेटना है, किसी को बस में करने की बात नहीं है कि अमुक अमुक बस में हो जाए, इतना मेरा नाम फैल जाए, कुछ नहीं है। पूरी स्वस्थता है, लेकिन इतनी स्वस्थता होते हुए, इतना सस्ता और सरल होते हुए भी हम यही काम नहीं करते हैं, आदत खराब है। उसी अपनी खराब आदत को ही हमें सुधारना है। सत्संग का फल क्या है? भजन का फल, भक्ति का फल, पूजा का फल, गुरु सेवा का फल, धर्म परमार्थ का फल, ये क्या है? अपनी आदतों का सुधार। हमारी आदत जितनी सुधरती जाएगी, प्रवृत्ति अच्छी होती जाएगी, मन की चंचलता उतनी समाप्त होती चली जाएगी। जब तक बाहरी प्रवृत्ति हमारी सुधरेगी नहीं, व्यवहार सुधरेगा नहीं, तब तक हम चाहे जितना ज्ञान जानते हो, कहते हो, सुनते हो, वो काम नहीं आएगा। हमारा बाहरी आचरण, हमारी बाहरी प्रवृत्ति ठीक नहीं है तो हम आंख मूंद करके, पीड़ तान करके बैठे रहे घंटों, कोई फल नहीं होगा, एक दिखावा होगा बस। अहंकार जगेगा कि मैं रोज 2 घंटा 4 घंटा ध्यान में बैठता हूं। ध्यान का फल क्या है? जितना हमारी बाहरी प्रवृत्ति सुधरती है, ठीक होती, व्यवहार ठीक होता है, उतना बढ़िया ध्यान लगता है। अब जिसका ध्यान बढ़िया लगेगा, उसका व्यवहार का काम भी बढ़िया उतना होगा। दोनों दूसरे को सहयोग करने वाले हैं, दूसरे के पूरक हैं। आदत खराब तो चित्त अशांत, चित्त अशांत तो दुख, पीड़ा, क्लेश, तनाव, चिंता, नरक का भोग। आदत सुधर गई, तो बाहर की प्रवृत्ति सुधर गई, चित्त की चंचलता समाप्त, चित्त की चंचलता समाप्त, निश्चिंतता, निर्भयता, सरल मन, सरक का अनुभव। अपनी आदत की परीक्षा तो हमें स्वयं करनी होगी। जब तक स्वयं हमें अनुभव नहीं होगा कि हमारी आदत बिगड़ी हुई है, खराब है, तब तक कोई दूसरा कितना भी कहता रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बल्कि हम ये मान लेंगे, अरे हम तो चिढ़ते हैं, हम तो देख करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, हमारी बढ़ोतरी को सहन नहीं कर पाते, इसलिए हम तो बार बार टोकते रहते हैं, तुम्हारी आदत खराब है, तुम्हारे ये खराब है, तुम्हारा वो खराब है। हम दूसरों पर दोषारोपण करते रहेंगे, और जब ये समझ में आएगा कि नहीं, सचमुच में मेरी आदत खराब है, तब लगेगा कि हम दूसरे को मुझे जो टोकते हैं, कहते हैं वो सही कहते हैं, उनका दोष नहीं है, दोष मेरा है। जब ये समझ में आएगा तब हम अपनी गलत प्रवृत्ति को, गलत आदत को सुधारने का काम करेंगे। और हमारी समझ में बात नहीं आएगी तब तक कोई कुछ भी समझाता रहे, सुन लेंगे, फर्क कुछ नहीं होगा।
इतना सुनत निकट चले आई, मन का विकार न छूटे भाई। सदगुरु कबीर जो कहते हैं, हम लोगों पर एक व्यंग करते हैं, एक व्यंग नहीं, हमारी वास्तविकता का दिग्दर्शन करवाते हैं। इतना सुनत निकट चली आई, ज्ञान की बातें सुनते 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 मौत के निकट आ गया आदमी, मौत करीब आ गई, लेकिन मन का विकार न छूटे भाई। मन का विकार अभी भी नहीं छूटा है, वही लोभ की प्रवृत्ति, वही काम की प्रवृत्ति, वही क्रोध की प्रति, वही ईर्ष्या, वही द्वेष, वही जलन, वही छल, वही धोखाधड़ी, वही राग द्वेष। तो ज्ञान की बात सुनने का फर्क क्या हुआ, मतलब क्या हुआ? कौन कितने दिन से सत्संग करते आ रहा है, कितने दिन से साधु संतों की सेवा करते आ रहा है, और कौन कितने दिन से साधु समाज में रहते आ रहा है, इसका कोई बड़ा मूल्य नहीं है। मूल्य है कि कौन अपने जीवन के सुधार पर कितना ध्यान दे रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, थोड़ी सी चर्चा सुनते हैं, जीवन एकदम बदल जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कितना सुनाते रहे सुनाते रहे, आपका काम सुनाना, उनका काम सुनना, बस रहेंगे जहां के तहां। साहब ने जो कहा है, कोयला होए ना उजरा सौ मन साबुन लाए, हमारी दशा ऐसे ही है, सौ मन साबुन लगा करके भी धो, कोयला कभी उजला नहीं होगा। सौ मन कहो, हजार मन कहो, कितना भी चाहे जितना साबुन लगा करके धो, कोयला काला का काला। कितना हमें संत गुरु महात्मा भक्त सज्जन ज्ञान की बातें बताते हैं, लेकिन हमारा मन तो कोयला बना हुआ है ना, सुधरेगा कैसे? स्वयं हमारे अंदर जागृति होगी तब आधी साखी सिर खड़ी जो निर्वारी जाए। आधी साखी ही हो, छोटा सा वाक्य ही हो, यदि हम उसका निर्वार कर लें, उस पर निर्णय कर लें, उसका आचरण कर लें, तो हमारे सिर पर खड़ी वो हमारी सुरक्षा करने को, रक्षा करने के लिए काम भरे पर्याप्त है। आधी साखी तुम्हारा कल्याण हो सकता है, लेकिन निर्वार करें तब। और क्या पंडित के पोथियां रात दिवस गाए, सागर पंडित की बड़ी पोथियों रात दिन गाते रहो, फर्क क्या पड़ने वाला है? हमें स्वयं समझना होगा कहां हम में कमी है, कहां हमें त्रुटि है, और समझ करके स्वयं सुधार करना होगा। प्रवृत्ति सही होगी, आदत सुधरेगी, मन की चंचलता मिटेगी। मन की चंचलता मिट गई, मन शांत हो गया, साहब कहते बिहिस्त का अनुभव हो गया, स्वर्ग जन्नत मोक्ष का अनुभव मिल गया, भटकना कहां, भटकना कहीं भी नहीं। स्वर्ग जन्नत मोक्ष परमानंद परम शांति राम ईश्वर ब्रह्म खुदा गाड कहीं बाहर नहीं मिलेगा, कहीं भटकना नहीं है। ये सारे शब्दों की चरितार्थता इसी जीवन में है, बस आवश्यकता है जीवन और मन के जो विकार हैं उनका त्याग। में शुरू में कहा था मन की वाचालता और वाणी की वाचालता, बाहर भीतर दोनों की वाचालता, दोनों की चंचलता मिट जाए, बाहर मौन भीतर मौन, बस जिसे आप कहना चाहें, जिस शब्द में कहना चाहें, उसका अनुभव हो सकता है और हर किसी को हो सकता है। बस लगन चाहिए,
परिश्रम चाहिए, साधना चाहिए और दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जो चाहे उसका अनुभव कर सकता है।